मुझे अलग राज्य कर दीजिए, मेरा अलग राज्य दे दीजिए। तो अलग राज्य चलाने के लिए फिर लाएंगे कहाँ से वो इंसान जो चलाएगा? वो हम लोग मिथिला जाइए, हर जगह वाटर लॉगिंग है, हर साल बाढ़ आता है। हर साल बाढ़ क्यों आता है? अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको रोका? वैसे बात करते हैं तो मगध में हर साल सुखाड़ आता है। कितना अच्छा भी एक मतलब एयरपोर्ट दिया, और क्या चाहिए? एयरपोर्ट कितना चलता है बताइए आप मुझे? अब तो चलिएगा, तब जहाज में चलिएगा तब ना चलेगा, ऐसे चलेगा? ये तो हो सकता है उनको टिकट ना मिले, इसके डर से कोई भी जनप्रतिनिधि मिथिला राज्य पर बोलना नहीं चाहते हैं। देख रहे हैं बिहार है ना, आज हम बात करेंगे भाषा के आधार पे जो राज्य के गठन होती है उसी सिलसिले में बात करेंगे। बिहार में कई ऐसी भाषा है, हालांकि बिहार अभी फिलहाल एक है, लेकिन मिथिला में एक मिथिलांचल करके राज चाहते हैं, और भाषा के आधार पे वहाँ का मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा उनका बहुत पुराना भाषा है, वो चाहते हैं कि हमारा एक राज अलग हो कुछ जिलों को लेकर के। उनके लिए कुछ लोग आए हुए हैं पटना के गांधी मैदान पे, तो उनसे बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत है, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनुपम झा हुआ और मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हूँ। क्या वजह है जो आप लोग चाहते हैं कि मिथिला राज्य अलग हो? मिथिला राज्य देखिए, हमारा मिथिला जो है, जो वर्तमान सरकार है और बीती हुई किसी भी सरकार ने मिथिला का हित नहीं चाहा, मिथिला की भलाई नहीं चाहा। ऐसे में हम लोगों के पास अब एक ही है कि भाई जो आज़ादी से पहले जो भी मिथिला, जैसा मिथिला मेरा था वो मिथिला मुझे लौटा दीजिए। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि प्राचीन समय में मिथिला एक देश हुआ करता था, मिथिला हमारा एक देश था। तो हम लोग अब यह कह रहे हैं कि भाई मिथिला राज्य मेरा अलग कर दीजिए, हम लोग अलग रहेंगे, हम लोग अपना डेवलपमेंट खुद कर लेंगे। लेकिन डेवलपमेंट आप खुद करिएगा, उसके लिए नेता चुनेंगे ना, कुछ नेता वगैरह तो होंगे ना कि नहीं होंगे? कुछ तो होएगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग किससे मांग करें? नेता से ही ना मांग कर रहे हैं? हाँ। क्या मतलब मिथिला राज्य के लिए हम अलग से नेता चुन ले बताइए? अभी भी तो नेता वहाँ है ना। अभी तो आप कह रहे हैं कि नेता चुनिएगा बताइए, हम लोग अलग से कहना मैं समझ गया। क्या मिथिला राज्य अलग चाहती हैं ताकि वहाँ पे डेवलप हो? छोटा राज्य होता तो जल्दी डेवलप होता है, मुझे भी पता है, लेकिन छोटा राज्य में डेवलप करने के लिए विधानसभा बनेगा, वहाँ विधायक चुने जाएंगे, मुखिया प्रखंड वगैरह सब बनेगा। विधायक तो अभी भी हम लोग चुने ही हुए हैं, तो वो विधायक ठीक नहीं है। लेकिन सत्ता दल के विधायक या विपक्षी दल के विधायक हो सकता है पार्टी के प्रोटोकॉल में भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे या कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, पार्टी के अंदर उनके लिए हो सकता है टिकट नहीं मिले, वो अलग राज्य की मांग करेंगे, तो बहुत सारी पार्टी की प्रोटोकॉल होती है, तो हो सकता है उनको टिकट ना मिले। इसके डर से कोई भी जनप्रतिनिधि मिथिला राज्य पर बोलना नहीं चाहते हैं। आप मिथिला जाकर अधिकार है बोलिए। हाँ, आप जाकर के देखिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि मिथिला राज्य पर डर से नहीं बोलना, सबके मन में है कि मिथिला राज्य मिले, लेकिन कहीं ना कहीं डर है और वो डर से बोलना नहीं चाह रहे कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कहीं दिक्कत ना हो जाए पार्टी की तरफ से, इसीलिए वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हम लोग अब सड़क से सदन तक मिथिला राज्य को लेकर के बिगुल फूंक चुके हैं और हमारा अधिकार है, हम लोग संघर्ष करके अपना पॉसिबल है। आपको लगता है हो जाएगा? अब कल क्या होगा यह किसने देख के आया है सर, कल क्या होगा? लेकिन संघर्ष निरंतर जारी है, हम कर रहे हैं। मेरा मानना कि काम अगर चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होता, बड़ा भी राज डेवलप होता है। आज बगल में उत्तर प्रदेश देख लीजिए। छोड़िए ना, हमारे मिथिला के साथ हमेशा से दोहन किया जा रहा है, ऐसा कहाँ है चचरी? दोहन कौन करेगा आपके साथ? क्यों करेगा? सब सरकार सब कर बिहार के ही, हम सब, भी और आप भी, सब टोटल तो बिहार के ही। देखिए सब कर रहा है मिथिला के साथ दोहन, शोषण कर रहा है। आप बताइए मिथिला में क्या ऐसा है, हम आपसे पूछ रहे हैं मिथिला में क्या नहीं है? क्या है वो तो क्या नहीं है? क्या चचरी पुल है मिथिला में? एम्स नहीं मिल पा रहा है? बड़ा तो आपके यहाँ मखाना का इतना बड़ा खदान है जो पूरे विश्व में फैला जाता है, वहाँ से आप उसको भी प्रतिबंधित कर रहे हैं? नहीं, क्यों करेगा? मखान है तो किसकी देन है? किसकी देन है? सरकार की देन है कि हमारा उपज, हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। मखान है कि क्या है? जी नहीं, मुझे अलग राज्य कर दीजिए, मेरा अलग राज्य दे दीजिए। अलग राज्य चलाने के लिए फिर लाएंगे कहाँ से वो इंसान जो चलाएगा? वो हम लोग सोच लेंगे। अभी भी वही लोग होंगे ना, तो उनको अभी सोच लेंगे। जी हम लोग अभी सोच लेंगे कि हम लोग क्या नहीं सोच रहे हैं वो लोगों को अभी। क्यों? मेरा मानना है, देखिए अभी जो वहाँ पे विधायक है, अगर लगता है कि वो विधायक डेवलप नहीं कर रहा है और आपने सोच लिया कि किसी और को मैं चुनूं, तो अभी उसको चुन लीजिए, डेवलप हो जाएगा। जी नहीं होता है, हम लोग देख लिए हैं, हम लोग अब आरी आ चुके हैं, मतलब हम लोग तंग आ चुके हैं। चुनते ही वो जो मेन यहाँ पे बैठा है पटना में उसकी सुनने लगता है। हाँ, केंद्र मेन सुन, सब अपने अपने पार्टी दल के सुनेगा, सब सुनेगा, प्रोटोकॉल है उसका। जी संजय झा है, तो संजय झा मतलब वहाँ के नव डेवलप करके वो यहाँ के
राज्य के सुनते हैं जो उनका मिथिला जो के लिए वो क्या किए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। कितना अच्छा अभी मतलब एयरपोर्ट दिए और क्या चाहिए मतलब? एयरपोर्ट कितना चलता है बताइए आप मुझे। अब तो चलिएगा तब जहाज में चलिएगा तब ना चलेगा ऐसे कितना? चलेगा नहीं, कभी सुन रहे हैं कि वहाँ से वहाँ की फ्लाइट रद्द हो जा रही है, कभी सुन वहाँ पे दिए हैं फैसिलिटी क्या दिए। बाढ़ वगैरह पहले आती थी अब कम हो गया बाढ़ आना, तो बहुत सी चेंजिंग तो हो रही धीरे धीरे। बाढ़ कहाँ चेंज हो रहा है मिथिला में, क्या आप चेंज कर दिए? आप एम्स दिए, हम लोग कितना दिन से एम्स मांग रहे हैं, एम्स मिला है आज तक मिथिला को? क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी का बयान आया अभी। अरे बयान आया, ग्राउंड पर जाइएगा वहाँ पे आपको 7 ट्रैक्टर मिट्टी भी भरा मिलेगा, अब जाइएगा तो मिट्टी दब भी गया है। हाल ही में भाषण में बोला कि हम जगह जगह एम्स बंद, पता नहीं कितने एम्स बन गया। भाषण तो बहुत देते हैं कि ये कर देंगे वो देंगे, क्या मेरा स्वास्थ्य का व्यवस्था देखिए ना कि क्या है बिहार मिथिला में, हमारे मिथिला में भाषण स्वास्थ्य की बात करते तो हर राज्य में नहीं जी नहीं, हमारे मिथिला को अलग कर दीजिए, हम अपना डेवलपमेंट करेंगे किसी भी सरकार से, बीती हुई किसी भी सरकार से और वर्तमान सरकार से, यह मिथिला की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। इसीलिए सर आप भी मतलब इतना चाहते हैं कि अलग हो, रीजन क्या हो रही है, क्या वजह होगी? मिथिला राज्य अलग होने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन, बहुत सारा रीजन है लेकिन सबसे बड़ा रीजन है भाषाई आधार पर मिथिला राज्य बने, मैथिल एक भाषा है। अगर ऐसे बात करते हैं, रुक दूं एक मिनट के लिए रोकूंगा, अगर भाषा की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से बिहार में अभी करीब करीब 4 भाषा है, तो 4 राज्य होना चाहिए। नहीं, संविधान की 8वीं सूची में हमारी भाषा है, कितनी बिहार की और भाषा जो 8वीं अनुसूची में? नहीं, अगर सूची में होता और है तब तो कब क्या बन गया होता, वो चीज़ नहीं है। मिथिला भाषा भी एक कारण है, सबसे बड़ा कारण भाषा है। हम क्यों चाहते हैं बिहार से, बाकी बिहार से हमारा कल्चर अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा भूगोल अलग है। आप मिथिला जाइए, हर जगह वाटर लॉगिंग है, हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ क्यों आता है, अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको रोकागी? वैसे बात करते हैं तो मगध में हर साल सुखाड़ आता है, तो अब नहीं 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 नेचुरल डिजास्टर अलग चीज़ है लेकिन प्रायोजित है वो, उसको रोका नहीं गया, जितना जितना रोका जाना चाहिए उतना काम नहीं किया गया वहाँ पे, आपको मानना पड़ेगा ये। वो बात करते हैं तो पूरे बिहार के डेवलपमेंट की बात बताते हैं, और बताते हैं बिहार का मखाना, कुछ लोग लगे हुए थे कि मिथिला के मखान को बिहार का मखाना के नाम ज़्यादा होगा, जहानाबाद में नहीं होगा। हाँ नहीं है। अच्छा तो वही चीज़ बता रहे ना, दरभंगा जब डेवलप होगा तो उसके आसपास के क्षेत्र डेवलप होंगे। आज हम बताते हैं, मेरा गृह जिला सहरसा है, वहाँ एम्स बनाने की मांग हो रही है, क्यों नहीं मिला? आप कह रहे हैं नहीं मिला, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे एम्स दे दिया, ये 9 सालों में हमने इतने एम्स दे दिए। चैलेंज करते दिखाइए, ग्राउंड पे आइए दिखाइए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा पटना एम्स डब्बा है, डब्बा कोई सुविधा नहीं है, उससे अच्छा आई जी आई एम एस। बातें जो हो रही है मतलब क्या ऐसी हो रही है हवा में? होगी, कभी होगी, आगे होगी, 20-25 साल नहीं, हो गया है, एम्स बन चुके हैं कई, बन चुके हैं, वो तो खाली डब्बा है। वहाँ करके कई बार बोले हैं कि हमने एम्स दे दिया, मेट्रो दे दिया, बड़ी बड़ी रेलें दे दी, मुंह से दे दिए हैं। हाँ, वंदे भारत दे दिया, बोल के दे दिए हैं, बोल के, धरातल पे नहीं है, धरातल पे नहीं है। धरातल पे होता तो भाजपा को 9 साल बेमिसाल वाला जो एक क्या कहते हैं स्लोगन चलाया है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर रियली डेवलप होता तो दिल्ली बाढ़ से ग्रस्त है, मणिपुर जल रहा है, मिजोरम जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट, आपको बात है नॉर्थ ईस्ट वर्सेस बाकी इंडिया हो जाएगा। अच्छा, देखते रहिए, यदि कंट्रोल नहीं हुआ ये तो। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरे साथ जुड़े हुए थे, मिथिला के रहने वाले हैं, इनका दरअसल मांग है कि मिथिला राज्य एक अलग हो, उसका कारण है सौतेला व्यवहार, और कोई कारण नहीं है। अगर सौतेला व्यवहार ना हो तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा भाई से अलग होना।